सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, उप जिला अधिकारी सुरेश राय, सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा, एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। धीरज कवर कर लेना पीछे से, जिसमें साहबान ने सभा का शुरू उपस्थित आने महानुभाव भी हूँ, इस बंदी अपील करना से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बीच यहाँ संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूँगा। मैं यहाँ सफल अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। मित्रों, आज 31 अक्टूबर को की जो परीक्षाएं और जो पद क्रिएट किए गए वो आपके एक के देन थी चार, और उनकी जो योजनाएं थी अब जिस भी पटल पर रहे हैं उनकी योजनाएं विचार को देखा और दूसरे जो राज्य वाले का भेदभाव करते हैं और जो उन लोग यहाँ से हमारे यूपी बिहार भाई लोग जाते हैं तो महाराष्ट्र में और स्टेट में उन लोगों का भेदभाव होता है। ये पता नहीं कहाँ से ये जो आगे हम लोग सारे एक ही भाईचारा लोग हैं, कहाँ से ये भेदभाव शुरू हो गया है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कम से कम तो हम लोगों के मन में ये तो कहीं दूर दूर से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था, किसी के रंग में, किसी के भाषा में, किसी का जो कहाँ का रहने वाले उसी के लेके भेदभाव कतई ही नहीं होना चाहिए था। इससे इसको हम लोग संकल्प के रूप से लाना होगा। सिटी वन से खास बातचीत में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, मैं सभी जनता को ये चैनल के जरिए से मैं अपील कराना चाहता हूँ। देखिए, जो वल्लभ भाई जी का जो सपना था ताकि एक ही भारत अखंड भारत के रूप से देखने चाहते हैं, हम लोग भी आज दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम लोग का भाईचारा का और इकट्ठा करना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। हम लोग के साथ जो भी साथी कोई तकलीफ में है उन्हीं को तो मदद करने की ज़रूरत है और आगे जो एकता के रूप से हम लोग सभी लोग मिल के सोच के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।